प्लीज सपोर्ट देम। मैं यही कहूंगा, ये सब कह के कोई फायदा नहीं कि प्रोमो कितना अच्छा है, आप लोगों ने देखा क्या लगता है। ऑल आई कैन टेल द मीडिया इज के सपोर्ट देम एज मच एज यू ऑल कैन, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू देम। नए लोग हैं, सपोर्ट देम। रामलीला ट्रू नहीं है आपके लिए? रामलीला जो थी वो तो ट्रू ही है, बट हमारी फिल्म एक नहीं, दो तीन चार पांच कई घटनाओं से इंस्पायर होके लिखी गई है, तो इट इज़ अ रियल स्टोरी, तो विच यू विल सी, वंस यू विल सी द फिल्म यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो या, इट इज़ अ लव स्टोरी, इट्स अ रियल लव स्टोरी। शॉर्ट में तो इतना ही कहूँगी कि 1.5 साल पहले मैंने मेरी पढ़ाई ख़त्म की, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद आई हैड द किक टू लर्न एक्टिंग, तो ऑडिशंस वगैरह दिए, उसके बाद यहाँ पर दो ऑडिशंस दिए, देयर वर 2-3 लुक टेस्ट, उसके बाद आई वाज फाइनलाइज्ड फॉर इट। अब बड़े एक्टर से ये पूछें तो बेहतर है, मेरी तो पहली फिल्म है। अब मुझे, मेरे अंदर शायद अगर कोई क्वालिटी है वो आप राज सर से पूछिए, विनोद सर से पूछिए, जो उनको देखी होगी मेरे अंदर। नहीं, बहुत जिगर चाहिए यार ये सब बनाने के लिए, मैं डर जाता हूँ। बहुत ऑनेस्टी के साथ इन लोगों ने काम किया है, अप्रिशिएट दैट, यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मेरे बस की बात नहीं है सब। बट नए लोगों के साथ करने का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि आपको शाहरुख साहब के लिए वेट करना पड़ता है, इनके लिए वेट नहीं करना पड़ता है, और जैसा आप फिल्म बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डायरेक्टर। एक्चुअली ये स्टोरी हमारे एक फ्रेंड थे जो हमारे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है थोड़ी सी, तो बाकी तो नहीं बता सकता कि नहीं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और नोटिस बहुत सारे आ सकते हैं। सो बेटर है कि आप फिल्म देखें, और ये फिल्म जिगर से बनाई है और दिल के बहुत करीब है। सी ए में आपको पता होगा कि पासिंग परसेंटेज इज़ वेरी लो, एज मच एज 3%। तो जब मैं पढ़ रही थी तो एक आध अटेम्प्ट में आई फेल्ड, ऑल माई फ्रेंड्स पास्ड एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड। तब माई मॉम सेड दैट यू नो जस्ट जॉइन सम क्लासेस, टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज़। तो मैंने ऐसे ही कोई कोर्स कर लिया एक्टिंग का फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था टू गेट इन टू एक्टिंग। बट जब वो मैंने कोर्स किया, उसके बाद जो ऑडिशंस दिए एंड द थिंग, इट जस्ट आई जस्ट फाउंड वेरी चैलेंजिंग, और उसके बाद एज एंड एवरीथिंग हैपेंड, सो इट फेल इन प्लेस, दैट्स हाउ।